हेलो एवरीवन। आप सब लोगों को पता ही होगा, CCRS का जो एग्ज़ाम होने वाला था 11th अप्रैल को होने वाला था। CCR के LDC और UDC की पोस्ट के लिए आपने यहाँ पर देखा होगा। ठीक है, तो उसका नया नोटिफिकेशन आया है आज, यानी कि आज 8th अप्रैल है। देख सकते हो आप, इसमें लिखा हुआ है, इन्होंने मेंशन किया है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है LDC और UDC की पोस्ट के लिए, और जो कि 11 अप्रैल को होने वाला था। किसके लिए? इन द वीक्स, मतलब COVID-19 के केस बढ़ते आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग में। ओके, तो उसके रिगार्डिंग ये उन्होंने किया है। तो 11 अप्रैल को नहीं होने वाला, और बोला है कि फर्दर नोटिस के लिए वेट कर सकते हैं, और आप वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। इन्होंने मेल पर भी आपका जो लगाया है इसके साथ, उस पर आप जानकारी को ले सकते हैं। तो इससे आप क्या मोटिवेशन ले सकते हैं या क्या इंस्पिरेशन ले, कैसे? मतलब देखो, जिनकी तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं उनको तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो तो अच्छा परफॉर्म करते ही। लेकिन हाँ, जिनकी तैयारी मान लो अच्छी नहीं हुई है, वो बोलते मेरे को एक हफ्ता में जाता है, तो हाँ, क्योंकि 11 अप्रैल से इसका था। इसके बाद 12 अप्रैल से CHSL के SSC के होने वाले थे, उसके एग्ज़ाम चलेंगे 26 से 27 अप्रैल तक चलेंगे। इसका मतलब अगर ये कल नहीं हो रहा है, तो इसके बाद 12 अप्रैल को या तो एक CHSL के एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि इसके तो एग्ज़ाम बहुत होंगे। इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं SSC CHSL में, इसमें तो नहीं आते हैं। तो इसके मोस्ट लाइकली हैं कि SSC आज या कल या परसों मतलब दे सकता है नोटिफिकेशन ऑफ कैंसिलेशन, या पोस्टपोन का दे देगा, जिस तरह SSC स्टेनोग्राफर का दिया था और CPO का दिया था, इन द सेम वे। ओके, तो जिन्होंने कर रहे हैं वो थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करें, और आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।